नमस्कार दोस्तों, सरिता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम मकर संक्रांति स्पेशल खिचड़ी बनाएंगे दोस्तों, बिना लहसुन प्याज का। दोस्तों आप खिचड़ी तो बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन एक बार मेरे तरीके से भी बनाइएगा दोस्तों। तरीका भी हम बहुत आसान बताने वाले हैं दोस्तों, आप मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, भोग स्टाइल खिचड़ी बनाने के लिए हम देखिए अरवा चावल लिए हैं। आप कोई भी अरवा चावल ले सकते हैं, बासमती हो, लम्बा दाना या नॉर्मल अरवा चावल, किसी भी चावल को आप ले सकते हैं। ये दोस्तों मेरा घर का न्यू चावल है, नया धान का चावल है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हम नापना के लिए यूज कर रहे हैं। इससे हम हाफ डब्बा हम अरवा चावल लिए हैं, और उतना ही दोस्तों हम देखिए मूंग दाल लिए हैं। देखिए दोस्तों, चावल को हम एक बाउल में डाल दे रहे हैं, और इसी में हम मूंग दाल को भी हम डाल दे रहे हैं। और देखिए दोस्तों, एक मुट्ठी हम चना दाल भी लिए हैं। इसे हम 2 से 3 घंटा पहले भिंगो दिए हैं दोस्तों, क्योंकि मूंग दाल जल्दी पकता है, चना दाल को पकने में टाइम लगता है, इसलिए इसे हम भिंगो लिए हैं। इसे भी हम इसी में डाल दे रहे हैं। इसे हम दोस्तों 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से हम इसे रगड़ रगड़ कर धो लेंगे। देखिए दोस्तों, चावल को हम 2 से 3 पानी से हम धो लिए हैं। देखिए सब्जी में हम देखिए गोभी लिए हैं, गोभी को हम छोटा छोटा टुकड़ा में काट कर इसे भी हम धो लिए हैं। 2 से 3 टमाटर लिए हैं, इसे भी हम रफली काट लिए हैं। देखिए 3 आलू लिए हैं, 1 गाजर, 1 हरी मिर्च लिए हैं, सभी को हम मेन मेन काट लिए हैं। और देखिए दोस्तों, मटर लिए हैं। चलिए अब हम बनाना शुरू कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज हम खिचड़ी को कुकर में बना रहे हैं। देखिए गैस पर हम कुकर को चढ़ा दिए हैं, कुकर गर्म हो गया है दोस्तों। इसमें हम 2 चम्मच तेल डाल रहे हैं, सरसों का तेल डाले हैं दोस्तों। आप चाहे तो इसे घी में भी बना सकते हैं, रिफाइंड तेल में भी बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, तेल गर्म हो गया है। इसमें हम तड़का में 1 इंच दालचीनी, 3-4 लौंग, 2 छोटी इलायची, 2 लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा, 2 तेज़पत्ता लिए हैं, इसे भी हम डाल दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, तड़का जल गया है। इसमें हम पहले अदरक को डाल दे रहे हैं, अदरक को हम कद्दूकस करके डाले हैं, और हरी मिर्च को डाल रहे हैं। गैस के फ्लेम को हम लो मीडियम रखेंगे दोस्तों, इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे। देखिए दोस्तों, अब इसमें हम गोभी को डाल देंगे। गोभी को हम हल्का फ्राई कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें हम गाजर और आलू को भी हम डाल देंगे। सभी को हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों, वो भी गाजर आलू अभी फ्राई हो गया है। अब हम इसमें देखिए टमाटर डाल दे रहे हैं, मटर को भी हम डाल दे रहे हैं। देखो 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं। नमक दोस्तों आप स्वाद और अपनी मात्रा के अनुसार डालिएगा, और हल्दी डाल रहे हैं इसमें। इसे हम 2 मिनट के लिए और हम फ्राई कर लेंगे। देखिए दोस्तों, चावल हम भिगो कर रखे हैं। भिगो कर रखने से चावल और दाल पकने में थोड़ा आसानी होता है। देखिए दोस्तों, चावल और दाल को भी हम डाल दिए हैं, इसे भी हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। देखिए दोस्तों, चावल भी सब्जी के साथ फ्राई हो गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे दोस्तों। ये दोस्तों, पानी आप अपने अनुसार से डालिएगा कि कितना गाढ़ा खिचड़ी खाना पसंद करते हैं दोस्तों। पानी अगर अंदाज नहीं है तो पानी आप इतना डालिए जितना में कि खिचड़ी पक जाए और सटे नहीं। अगर गाढ़ा है तो आप गर्म पानी डाल के भी इसे पतला कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम पानी डाल दिए हैं। देखिए दोस्तों, 1 छोटा चम्मच हम इसमें गर्म मसाला पाउडर डाल रहे हैं, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल रहे हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिला देंगे।
देखिए दोस्तों, अब हम कुकर के ढक्कन को हम लगा देंगे। एक सीटी हम लो मीडियम फ्लेम पर दिलाएंगे। देखिए दोस्तों, एक सीटी दे दिया। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर दे रहे हैं। अब कुकर को हम ठंडा होने देंगे। देखिए दोस्तों, जब तक कुकर ठंडा हो रहा है तब तक हम खिचड़ी में खाने के लिए धनिया, हरी मिर्च और लहसुन का चटनी बना ले रहे हैं दोस्तों। नमक भी डाल रहे हैं। नमक आप अपने स्वाद और मात्रा के अनुसार डालिएगा। और अब हम इसे पीस लेंगे। देखिए दोस्तों, कुकर का सीटी निकल गया है। हम इसके ढक्कन को खोल दिए हैं। देखिए दोस्तों, खिचड़ी देखो भाप से दिख नहीं रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, खिचड़ी एकदम पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। देखिए अब इसमें हम छौंक डालेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, डब्बू गर्म कर रहे हैं। इसमें हम एक छोटा चम्मच जीरा डाले हैं। जीरा को गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों, जीरा जल रहा है, चिटचिट का आवाज़ आ रहा है। इसमें हम घी को डाल देंगे। देखिए दोस्तों, एक बड़ा चम्मच हम घी को डाल दिए हैं। जीरा को हम पूरी तरह से जलने देंगे और गैस के फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, छौंक लगा दिए हैं। अब हम इसमें देखिए धनिया पत्ता डाल दे रहे हैं और इसे मिला देंगे। देखिए दोस्तों, खिचड़ी एकदम गढ़ा गढ़ा बनकर तैयार हो गया है। अगर आप और पतला खाना पसंद करेंगे तो आप इसमें गर्म पानी भी डाल सकते हैं दोस्तों। इसमें ढक्कन ढककर 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए दोस्तों, पापड़ भी हम तल रहे हैं। देखिए इस तरह से सीख से दबाए रहेंगे, नहीं तो ये उठ जाएगा तो फिर फूलेगा नहीं। देखिए इसी तरह से हम सारा पापड़ को हम छान लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, चटनी भी हम पीस लिए हैं। ये पापड़ भी हम तल लिए हैं। देखिए तिलौरी भी हम तल लिए हैं दोस्तों। अब हम खिचड़ी को सर्व कर देंगे। देखिए दोस्तों, खिचड़ी को हम सर्विंग प्लेट में सर्व कर दिए हैं। खिचड़ी, पापड़, चटनी और चोखा। दोस्तों, आप भी एक बार आने वाला मकर संक्रांति में मेरे तरीके से खिचड़ी बनाइए और खाइए दोस्तों। अगर आपको मेरा बताया हुआ रेसिपी अच्छा लगेगा तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। हम फिर मिलेंगे नए रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। टेक केयर दोस्तों।